तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई में हम डेटा लोड करते समय क्यूरी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं पावर क्यूरी का। जैसे हमने यहाँ एक्सेल पे गए, जैसे हमने कल बताया था आपको अनपिवट करना, तो आपको बेनिफिट हुआ था। उसी तरह से आज हम आपके साथ और भी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा, वही डेटा, सेम डेटा जो कल लिया था उसी डेटा को हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम बात करेंगे आज फिल्ट्रेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेटा पूरा आ रहा है, लेकिन मुझे अपने सिस्टम पे सिर्फ जनवरी का डेटा लाना है, समझे? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने डेटा मॉडल में जाके फिल्टर कर सकते हैं, बट वो डेटा मॉडल में जो फिल्टर होगा वो सिर्फ विजुअल के लिए होगा ना, कैलकुलेशन तो आपका पूरा तो ही होगा। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्लाइसर में जाके मंथ ना डाल के हम मंथ जैन का ही डेटा लेके आना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने पावर क्यूरी खुल गया। अब इसमें इसके डेटा आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे देखते हैं, हमने यहां पे फैब और मार्क का फिल्टर हटा के ओके कर दिया। तब डेटा आपके सामने फिल्टर दिख रहा है और फिर मैं इसको क्लोज लोड एंड क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ जनवरी का ही डेटा आया है और उसी पे जो कैलकुलेशन होना है उसी पे कैलकुलेशन होगा। राइट? तो आप पावर क्यूरी में ही फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ओवरऑल चाहिए तो क्या मैं दोबारा कनेक्शन करूंगा? जी नहीं, हम चलेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे वापस। आपने यहां देखा होगा अप्लाई स्टेप, जैसे मान लीजिए कि इसमें से मुझे कुछ अंडो करना है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं यहीं पे अप्लाई फिल्टर को अनचेंज कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। या फिर मुझे मान लीजिए यानी कि फैब का चाहिए, तो आप जब इस पे जब क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ आपको डेटा दिख रहा होगा, टेबल सिलेक्शन चेंज टाइप इज मंथ इक्वल टू जैन, ये पावर क्यूरी लैंग्वेज है। तो इसको आप यहाँ पे फैब कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे डेटा आपका फैब का आ गया। देखिए मुझे फिल्टर तो चाहिए ही नहीं चाहिए, तो मैंने यहां से इसको अनचेक कर दिया। ठीक है, अब आपका ओवरऑल डेटा आ रहा है। लोड एंड क्लोज एंड अप्लाई कीजिए, पूरा दिख जाएगा आपके यहां पे। तो स्टेप होता क्या है, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वापस आते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में। स्टेप जो भी चीज आप यहां अप्लाई करते हैं वो यहां शो होता है, किसी को भी हटाना है क्रॉस कर दीजिए वो हट जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला है सोर्स। आप देखेंगे पहला स्टेप क्या है, सोर्स, यहां दिख रहा होगा सोर्स, किसने सोर्स लिया है। अब सोर्स को यहां पे चेंज भी की जा सकती है। सोर्स देखिए एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल फाइल डॉट कंटेंट और यहां पे पूरा पाथ लिया हुआ है, उन्होंने ब्लैंक को भी लेना है और ट्रू भी करना है। तो यहां से आप अपना पाथ या फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि फाइल नेम अगर चेंज हुआ तो यू कैन चेंज हियर। नेविगेशन के बारे में बात करें, नेविगेशन में क्या हुआ कि इसमें यहां पे सोर्स आइटम सीट वन काइंड सीट एंड डेटा। अब जैसे एक है, अब जैसे फाइल तो उसने सोर्स ने तो फाइल कनेक्ट किया ना सर, नेविगेशन ने बताया कि किस सीट का डेटा लेना है। और यहां देखिए प्रमोटेड डेटा, अभी देखिए क्या है कि कॉलम वन टू थ्री है,
इसमें क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है कि कॉलम को प्रमोट कर दिया गया। तो जो भी चीजें हम यहाँ फॉलो करेंगे आपको स्टेप्स के तौर पे यहाँ पे आएगा, समझ गए? क्लियर है? तो इसमें अभी फिलहाल जो है छोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं, फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कुछ क्लासेस बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बोला कि आपको अगर डेटा सोर्स चेंज करना हो तो आप सोर्स में जाकर चेंज कर सकते हैं, सीट चेंज करना हो तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, या नई डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां न्यू सोर्स में जाकर नई डेटा ऐड कर सकते हैं। अब न्यू डेटा ऐड करने का मतलब क्या हुआ, तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूं। अभी क्या है, डेटा हमारा आ गया हुआ है, मार्च तक का डेटा हमारे पास है सर। अब हुआ क्या कि एक मिनट में ओपन करता हूं, मुझे जनवरी का डेटा आया, जनवरी का आया, फरवरी का मैंने कल पेश किया था, मार्च का मैंने पेश किया था, उसी तरीके से समझ लीजिए कि मेरे पास अप्रैल का भी डेटा आया, बट अप्रैल का डेटा हमें नई फाइल में आया, एक नया फाइल में। एक कल की प्रोग्रामिंग है, नई फाइल में आया, इस फाइल का नाम भी मैं /1 कर देता हूं। अब मुझे इस फाइल का डेटा को कंबाइन करना है, तो अब क्या है कि कल जैसे हमने समझाया था उस तरीके के लेके जाएंगे, तो पहले मैं 20 जो फाइल है उस फाइल को ओपन करूंगा और नीचे जाके पेस्ट कर दूंगा। मैं ये चीज नहीं चाहता हूं क्योंकि चलो एक्सेल फाइल है ना, मान लीजिए कि कोई लिंक होगा, कोई वेबसाइट का होगा, जैसे वेबसाइट का ले लीजिए ना, शेयर मार्केट का डेटा ले लीजिए, आपने आज के शेयर मार्केट का डेटा उठाया, फिर कल का उठाना है, परसों का उठाना है, समझ रहे हैं ना बात को सर? तो हर बार नई फाइल में पेस्ट कॉपी पेस्ट एक्सेल फाइल आपको मजबूरी है बनाना पड़ेगा, बट आप वेबसाइट से ही डेटा उठा रहे हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ हम न्यू सोर्स पे जाएंगे और कौन सा चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे बोला कि एक्सेल का ही फाइल है, और ये रहा, हमने इसको ओपन कर लिया, इसका सीट वन है हमारा, सीट वन ले लिया। अभी एक मंथ का ये अप्रैल गलती से आ गया, बाकी नहीं समझ जाए नहीं है, एक मिनट कैंसिल करेगा, फिर से ओपन करता हूँ, गलती हो गई छोटी सी, हमने इसको नीचे तक ड्रैग नहीं किया था, हमने ड्रैग कर दिया, और अप्रैल का डेटा है, सेव कर देता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे न्यू सोर्स। एक्सेल कनेक्ट, फाइल सेलेक्ट किया, ओपन सी डॉ, ये हमारा सी टू का डेटा यहां पे दिख रहा है। मैं इसको राइट क्लिक रिनेम भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको रिनेम कर दिया, इसका नाम दे दिया अप्रैल। अब मुझे ए हो गया हमारा सीट वन नहीं, इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ डेटा, मास्टर डेटा, एम डेटा। अब मुझे अप्रैल का डेटा इस मास्टर डेटा में ऐड करना है, ठीक है सर? तो यहां पे क्यूरी दिख रहा है, दिखा है सर,
प्रॉपर्टीज है यहाँ इन, हाँ मैनेज है, एडवांस एडिटर, यहीं पे दिखेगा मर्ज क्यूरी, समझ गया ना। दो क्यूरी है आपके पास, मर्ज क्यूरी एक आपका अपेंड क्यूरी है, तो मुझे यहां पे अपेंड क्यूरी को क्लिक करना होगा। यहां पे टू टेबल करना है या थ्री टेबल करना है, मैं टू टेबल ही करना है। तो ये तो करेंट टेबल आपका एम डेटा दिख रहा है, मुझे इसमें अप्रैल को अपेंड कर देना है। ठीक है, अब यहां पे दिख गया सर, ऐड हो गया। तो आप इसमें मर्ज क्यूरी क्या होता है, दो क्यूरी को आपस में मर्ज करना, मतलब कि रिलेशनशिप करना। अपेंड क्यूरी क्या होता है, जो पहले से क्यूरी अपेंड है उसमें डेटा नीचे की तरफ ऐड कर देना। तो इसमें दो दो जी ऑप्शन है, न्यू भी है, न्यू है ना सर। तो न्यू क्या होता है इस चीज को जान लीजिए, मतलब कि अगर अपेंड क्यूरी की है तो जो फाइल जो डेटा आपका सिलेक्टेड है उसी के नीचे डालेगा। न्यू मतलब कि एक इन दोनों को एक नया डेटा शीट बनाएगा और उसके अंदर डालेगा। ये चीज हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। तो आप ये समझ गए कि अगर डेटा, अगर फाइल के अंदर डेटा आपका है तो आप फाइल को अपडेट करोगे तो आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन डेटा सोर्स आपका ऐसा है जो कि हर दिन चेंज होता रहता है, तो आप चाहते हो कि डेटा उसके अकॉर्डिंग हो, तो ये आप यूज कर सकते हैं। समझ गए, कोई डाउट आप लोगों को सर? हेलो, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर सर। यहां से कोई कोई रो को रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव करने का ऑप्शन है। ये स्प्लिट होता है, मतलब कि अगर आप उसको कोई ऐसा कॉलम है जिसमें आपको तोड़ना है उसकी कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन है, हम आपको बताएंगे फिलहाल। उसके बाद इसको यहां से क्लोज एंड अप्लाई कीजिए तो ये आपके पावर क्यूरी पे आ जाएगा। और यहां नाम भी चेंज हो गया, यहां अप्रैल का भी आ गया, यहां एम डेटा भी आ गया। अब इसके ऊपर हम जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो रिपोर्ट बना सकते हैं। अब इसको आप जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा पावर क्वेरी को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम बताएंगे। कल से हमारी स्टार्ट होगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इन द पावर क्वेरी। हम पावर क्वेरी में कैलकुलेशन समझाएंगे। अब जैसे कैलकुलेशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे टोटल का कॉलम नहीं, तो हालांकि ये कैलकुलेट यहाँ पे भी हम टोटल का कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें ही हो जाए, मतलब कि बैकएंड में ही हो जाए, मैं यहाँ ना करूँ। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम, यहाँ आपको ऐड कॉलम दिख रहा होगा, ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम कॉलम दिख रहा होगा, कस्टम कॉलम में हम जाते हैं, यहाँ पे डालते हैं टोटल और यहाँ पे हम वन बाय वन इनको प्लस करते चले जाते हैं। इसमें आप बहुत सारे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी हम आप बताएंगे आपको धीरे धीरे। अब कैलकुलेशन सही है तो यहाँ पे नो साइंटिफिक एरर दिख रहा है एंड ओके कर दीजिए। यहाँ पे एक स्टेप कट जाएगा, एडेड कॉलम, टोटल कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया। इसी तरह से इसमें कोई मान लीजिए इसमें मुझे ये करना है, कोई कमीशन निकालना है या कुछ ऐसा चीज निकालना है,
तो निकाल देते हैं। यानी मान लीजिए मैं एमआरपी जो हमारा है एमआरपी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगेन मैं कस्टम कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा अमाउंट, अमाउंट में मैं एमआरपी मल्टीप्लाई बाय टोटल कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ। यहाँ पे टोटल आ गया। इस तरह की और भी कैलकुलेशन की जा सकती है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। इम्तियाज जी समझ में आया आपको? जी सर। मास्टर दब गया ना। ओके अब इसके ऊपर हम और भी चीजें लगा सकते हैं। हाँ विवेक जी कुछ पूछ रहे थे। सर जो कल चार्ट का मैं पूछा था ना वो तो हो गया था क्लियर, और थोड़ा सा ना टेबल में इशू आ रहा था। टेबल में क्या हो रहा है कि मुझे रो में दो कंडीशन रखनी, लाइक जैसे इसी डाटा के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो जनवरी फरवरी ऊपर नीचे रखना है, बट वो सेट नहीं हो पा रहा है टेबल के अंदर। देखिए टेबल जब आप आते हैं टेबल में दो टेबल, एक नॉर्मल टेबल है दूसरा आपका मैट्रिक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम को दिया ठीक है और यहाँ पे टोटल को दिया, तो मुझे नेम और टोटल का डेटा इस तरह से आपके सामने दिख गया ठीक है। बट मैं इसको कॉलम में कर रहा था, ये तो सॉरी ये कॉलम में है, रो में कर रहा था, रो में नहीं हो पा रहा था। बट इस तरह से यहाँ पिवट में, इसको पिवट में रखेंगे आप देखिए यहाँ पे, और ये नेम आ गया कॉलम, यहाँ पे वैल्यू आ गया। आप बोल रहे हैं देखिए एक तो हुआ कि नॉर्मल डेटा था जो डेटा पूरा दिख रहा था ना सर, अब इसमें आता है कि आप कॉलम वाइज करना चाहते हो तो आपको मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब मैं इसको सिटी को रख देता हूँ कॉलम में, इस तरह के बोल रहे थे आप? राइट राइट हाँ, तो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा सर। मैट्रिक्स ठीक है सर, ठीक है ना। और कुछ नहीं? नहीं थैंक यू सर। सर इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है सर? ओके सर। कोई दिक्कत होता है तो कॉल कर लीजिए, अभी बैठ कर अभी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम आधा घंटा भी प्रैक्टिस कीजिए आप ना, तो फिर ऑफिस निकल जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा।